मुश्किल मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं, अपने इरादे छोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका इपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। मेरा दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो सभी के लिए है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और हमारे जीवन में इसका बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पढ़ाई में कॉन्टिन्यूटी को कैसे मेंटेन करें, अपनी पढ़ाई में निरंतरता कैसे लाएं। तो दोस्तों चलने से पहले मेरी उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को टैप करेंगे, जिससे एपीएन क्लासेस पर जो भी वीडियोस आ रही हैं आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पर पहुंचे, आप सबसे पहले व्यूअर बने हमारे और दोस्तों इस चैनल का लाभ ले पाए आप। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सर मैं पढ़ता हूँ, ज्यादा देर नहीं पढ़ पाता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे में पढ़ पाता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ पाता हूँ, इसका आप रीजन बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों उसका एक ही रीजन है कि आपके पास आपकी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, आप कॉन्टिन्यूअस नहीं रहते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कोई 6 घंटा 8 घंटा एक दिन पढ़ता है, फिर वो एवरेज ड्यूरेशन देखी जा करके वो कुछ नहीं पढ़ता है 2-3 दिन। तो जब आप सबका एवरेज निकालेंगे तो आपका एवरेज बराबर हो जाएगा और आपको लगेगा कुछ आउटपुट आपको मिला नहीं, कुछ आपने सीखा नहीं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है और अच्छा से अच्छा परिणाम लाने की आपको कोशिश करनी है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो कभी भी घंटों को ना गिने कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 7 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा कभी आप सोच कर ना बैठे दिमाग में। अगर आप ये चीज दिमाग में सोचकर बैठ जाएंगे तो आपके दिमाग में स्ट्रेस होगा और आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। आप सबसे पहले एक प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे इस 1 घंटे में क्या पढ़ना है, मुझे 1 घंटे पढ़ना है शुरुआत में। बिल्कुल दोस्तों आपके लिए शुरुआत में टफ होगा, आप जब बैठोगे तो आपको तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस याद आएंगे, आपका मोबाइल आपको याद आएगा, आपको कई सारे काम याद आएंगे जब आप पढ़ने बैठोगे, तो ऐसा होगा आपके साथ। लेकिन आपको वहां पर डटे रहना है, आपको वहां पर हार नहीं माननी है, आपको बस ये सोचना है कि मुझे इस 1 घंटे में कितना पढ़ना है, इस 1 घंटे का मैं यूटिलाइजेशन कैसे कर सकूं। सबसे पहले आपको बहुत सारे लोग टेक्निक बताते होंगे कि 45 मिनट आप पढ़े, 15 मिनट आप कुछ अच्छी चीजें कर ले, म्यूजिक सुन ले। बिल्कुल दोस्तों ऐसा करने से आप बचे, ऐसा आप ना करें। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप, हो सकता हो कि आप 15 मिनट बाद बोर हो जाएं, आप 15 मिनट बाद कुछ और करने लगे, तो ऐसा मत करिएगा आप। ऐसा करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होगा और जब आप दोबारा लौट करके आओगे तो वो चीज आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई से रिलेटेड काम ही करो आप। अगर आप मान लीजिए 15 मिनट 30 मिनट आपने मैथमेटिक्स पढ़ी और आपको थोड़ी सी बोरियत फील हो गई या आपको लगा कि अब थोड़ा सा रुकना चाहिए, तो आप कोई ऐसी बुक ले लो, जो स्टोरी बुक हो, जो आपको अच्छी लगती हो, आप पढ़ाई से रिलेटेड जुड़े रहो। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपका कनेक्शन होना चाहिए, आपका इंटरलिंकिंग वहां पर होना चाहिए। अगर आप वहां से हट रहे हो तो आपकी कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल लैप्स होगी और आप कभी कॉन्टिन्यूस बनी नहीं पाओगे। सबसे बड़ी बात, छोटा छोटा टारगेट आपको लेना है, 1 घंटे 2 घंटे का आपको टारगेट लेना है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने कोशिश नहीं करनी है 6 से 8 घंटा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी बड़े आदमी से पूछिए, किसी भी जो सफल लोग हैं उनसे पूछिए, उनका सबसे बड़ा रीजन ये था सफल होने का कि वो कॉन्टिन्यूस थे। अगर आप कंटिन्यूअस हैं, अगर आप कोई चीज निरंतर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको परफेक्शन मिलना ही है, आज नहीं कल आप परफेक्ट होंगे ही और उसमें बहुत अच्छा करेंगे आप। ऐसा मेरी उम्मीद है, ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप 1 घंटे का टारगेट बनाए हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड काम ही करना है। जैसे आपने 45 मिनट्स 55 मिनट्स पढ़े तो 5 मिनट आप बुक से रिलेटेड काम करिए। हाँ, उस 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, आप कुछ खा सकते हैं, आप एक अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, उसके बाद आप ब्रेक लीजिए। लेकिन ये गलती आप मत करिएगा कि आपने 45 मिनट पढ़ाई की और आपने 1 घंटे का टारगेट लिया था कि मुझे 1 घंटे में पढ़ना है, तो आप तरह तरह की चीजें करने लगे, आप स्पोर्ट्स खेलने लगे, आप मोबाइल में गेम खेलने लगे। जैसे ही आप खेलेंगे दोस्तों, आपके दिमाग में आपको प्लेजर मिलने लगेगा, फिर आप उस प्लेजर की तरफ खींचे चले जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी कॉन्टिन्यूटी धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। तो इसको करने से आपको बचना है। आप सबसे पहले छोटा टारगेट लीजिए, उसको पूरा करने की कोशिश करिए, धीमे धीमे आप देखेंगे। ऐसा आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप 1 घंटे का टारगेट लीजिए, फिर इसके बाद आप देखेंगे आपकी इफिशियंसी, आपका काम करने का तरीका, आपकी काम करने की क्षमता, आपकी वर्किंग एबिलिटी जो है बढ़ जाएगी धीमे धीमे। फिर आप इतना अच्छे से आप पढ़ने लगेंगे कि आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, आप अपनी सभी चीजों को मैनेज कर लेंगे। हाँ दोस्तों, हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही होता है, अदर किसी के पास नहीं होता है। हाँ, हम किसी से सीख सकते हैं, किसी से कुछ जान सकते हैं, किसी से नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की जहां तक बात है, जहां उसको एग्जीक्यूट करना होगा, तो वो हमारे ऊपर ही होता है। हम कैसे किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कितने अच्छे से किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूटी का दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको वही काम करना है जिस काम में आप जुड़े हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ पढ़ाई करें, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई से रिलेटेड काम ही करें, अदर कुछ सोचे ना आप।
बिल्कुल, लेकिन ऐसा ना करें कि आप कोई काम कर रहे हैं आप दूसरी चीजें करने लगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहली बात तो घंटे सोच कर नहीं जाना है, आपको अपने टाइम को स्प्लिट करना है कि मुझे ये चीज पढ़नी है। और हाँ, आप अपने पढ़ाई में वेरिएशन लाइए, जैसे आपने एक दिन मैथमेटिक्स पढ़ी तो अगले दिन आप फिजिक्स पढ़िए, इससे क्या होगा रोटेशन जब आप लाओगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। और दूसरी चीज, आप समस्या देखिए दोस्तों कहां होती है, जो बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं उसमें समस्या होती है, तो उसके लिए आप क्या करो कि आप एक माइंड फ्रेम बना के जाओ कि मुझे समझ में आएगा, मुझे फ्रेम ऑफ माइंड से जाओ, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाओ कि मैं इसमें अच्छा करूंगा, मुझे इसमें टॉप करना। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को आगे रखने की कोशिश करो कि मुझे सबसे अच्छा करना है, ये सोचकर अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल आप कंटिन्यूअस रहोगे। और हाँ दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 3 से 4 घंटे रेगुलर, 3 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, 4 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, बिल्कुल वो बहुत है। आप कभी भी और उस तरह के बच्चों मत बनो आपकी एक दिन में आपने 8 घंटे पढ़ाई की और 3 दिन कुछ ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, इस तरह से आपको नहीं चलना है। आपको धीमे धीमे 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, डेली करनी है। हाँ, आपको कुछ भी हो जाए, आप ये समझ लो कि आपको ये काम करना है, इसको आज ही खत्म करना है, इस काम को आपको करना है। एक टारगेट लेकर के जाओ, पूरा करो, आप देखो कितने आप मोटिवेट होगे और आप इतने अच्छे से पढ़ाई करोगे कि आपने खुद के बारे में वो नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को टैप करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए।